हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश, टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें, जिसमें सबसे बड़ी खबर है कि ये रिश्ता है प्यार के की एक्ट्रेस का सोशल अकाउंट हो गया है हैक। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही हमें खबर आई थी कि कुंडली भाग्य के एक्टर धीरज धूपर का सोशल अकाउंट हैक हो गया है और अब खबर है कि कावेरी प्रियम का भी सोशल अकाउंट हैक हो गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कावेरी ने बताया कि उनका सोशल अकाउंट रातों रात हैक हो गया। उन्हें ये खबर रात को ही पता चली जब उन्होंने देखा कि उनका बायो बदल चुका है और जब उन्होंने अपना पासवर्ड रीसेट किया और उसके बाद फिर से लॉगिन करने की कोशिश की तो वो लॉगिन नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने कंप्लेन लिखवाई और अब उनका सोशल अकाउंट बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। बता दें कि सोशल अकाउंट का हैक करना आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, हालांकि इस पर हमेशा निशाना सिर्फ सेलिब्रिटी ही होते हैं। वेल, अगर आप रश्मि देसाई के फैंस हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट होने वाला है। रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर अपनी पुरानी तस्वीरों को शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। ये तस्वीर है रश्मि देसाई की गुरमीत चौधरी के साथ, जो कि झलक दिखलाजा 5 के सेट की है। बता दें कि रश्मि देसाई ने इस शो में बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए थे, हालांकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई लेकिन वो फर्स्ट रनर अप जरूर रही थी। रश्मि ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि काश वो इसे रिक्रिएट कर सकती। इसी के साथ उन्होंने इस सेट की कुछ और तस्वीरों को भी शेयर करते हुए पुराने दिनों को याद किया है। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन का आगाज हो चुका है। 9 मई से केबीसी 12 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोनी टीवी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शो को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं अब अमिताभ बच्चन केबीसी 12 के लिए दूसरा सवाल आयुष्मान खुराना की हिट फिल्म बाला से पूछा गया है। अमिताभ ने अपने सवाल में पूछा कि फिल्म बाला में अभिनेता आयुष्मान खुराना द्वारा निभाया गया किरदार बाल मुकुंद शुक्ला किस समस्या से संघर्ष करता है। हालांकि ये जवाब बॉलीवुड प्रेमियों के लिए बहुत ही आसान है। इस सवाल के लिए अमिताभ ने ये विकल्प दिए हैं, पहला बाल सफ़ेद होना, दूसरा समय से पहले बुढ़ापा, तीसरा याददाश्त खो जाना और चौथा समय से पहले गंजापन। सवाल का जवाब 11 मई रात 9 बजे तक देना है। अगर आप भी तैयार हैं तो अभी समय बाकी है मेरे दोस्त। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आज उन्हें टीवी इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। श्वेता ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर हालात से लड़ने के बाद भी श्वेता ने हार नहीं मानी। बता दें कि श्वेता तिवारी अपने पति अभिनव कोहली से अलग रह रही हैं। वो अपने निजी लाइफ को लेकर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने पति अभिनव से अलगाव के बारे में खुलकर बात की है। पति अभिनव कोहली से सेपरेशन के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा है कि वो घर में अकेली कमाने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अपने पति से अलगाव के बाद चिंता में पड़ जाऊँ या फिर गम में डूब जाऊँ। उनका कहना है कि उनकी निजी ज़िंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसीलिए उन्हें अपना और बच्चों का ख्याल रखना होगा। मालूम हो कि श्वेता तिवारी जब पहली बार माँ बनी तब वो सिर्फ 19 वर्ष की थी। श्वेता ने आगे बताया कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे कई लोगों का ख्याल रखना है, मैं स्ट्रेस में या दुख में नहीं डूब सकती। मेरी बेटी, मेरा बेटा, पूरा घर मुझे ही देखना पड़ रहा है। घर में कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। उनका कहना है कि मैं अपने घर की मर्द और औरत दोनों हूँ। वहीं इस मुश्किल दौर में उनकी बेटी पलक उनका पूरा साथ दे रही हैं। पलक कहती हैं कि मेरी माँ बहुत ही मजबूत महिला है। मेरी माँ ही नहीं, उन जैसी मजबूत महिलाओं को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। श्वेता तिवारी अभिनव कोहली के साथ शादी के बाद बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम रियांश कोहली रखा। बता दें कि श्वेता पहले भोजपुरी एक्टर राजा चौधरी से शादी कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने राजा चौधरी से शादी के बाद एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने पलक रखा। लेकिन राजा चौधरी के साथ उनकी शादी बेहद खराब मोड़ पर टूटी। वहीं इसके बाद वो अभिनव कोहली के प्यार में पड़ी, लेकिन उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। उन्होंने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की से शोहरत हासिल की और इसके बाद रियलिटी शो बिग बॉस विनर का खिताब भी जीता। रामायण की सीता दीपिका चिखलिया जल्द सरोजनी नायडू के किरदार में नजर आने वाली हैं। दीपिका ने ये खुशखबरी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। दीपिका ने सरोजनी नायडू की तस्वीर साझा करते हुए बताया कि वो नायडू का किरदार निभाने वाली हैं। दीपिका ने ये खबर इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी हैं।
पोस्टर पर लिखा है स्वतंत्रता की नायिका की एक अनकही कहानी। पोस्टर के कैप्शन में लिखा है सरोजनी सरोजनी नायडू फर्स्ट लुक पोस्टर। लॉकडाउन के चलते दूरदर्शन पर रामायण फिर से प्रसारित किया गया था। लोगों ने सीरियल को ढेर सारा प्यार दिया और ये शो दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। 16 अप्रैल को इस शो को 7.7 करोड़ व्यूज मिले थे। रामायण अब सोमवार से रविवार स्टार प्लस पर दिखाई जा रही है। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।